संक्रमण के चलते लगातार पुलिसकर्मी संक्रमित होते जा रहे हैं और कुछ पुलिसकर्मी भी काल की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में इंदौर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में पदस्थ पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मटकर संक्रमित का शिकार होते हुए शहीद हो गए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस लगातार लोगों की मदद के लिए खड़ी है और इस तरीके के हादसे पुलिस का मनोबल कम नहीं कर सकते। हमारे जवान और अधिकारी आज भी इसी तरीके से कार्य कर रहे हैं। थाना छत्तीपुरा पर पदस्थ रहे हमारे एक कर्मठ अधिकारी श्री राजेंद्र मर्मटका कल सुबह कोरोना संक्रमण के कारण इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, परंतु श्री मर्मट की मृत्यु पुलिस के लिए ना पहली है और ना ही शायद आखिरी। खाकी सादत मांगती है और पुलिस साल दर साल दिन प्रतिदिन शहादत देती आई है। इसके बावजूद मुझे ये कहते हुए गर्व है, खुशी है कि हमारा एक भी अधिकारी या जवान केवल इसलिए कि उसको डर है अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा, वरना और अधिक जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी पर डटा हुआ है। दुख इस बात का होता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी बहुत सारे लोग गैर जिम्मेदारी का परिचय देते हैं और खुद को तथा अपने परिवार को, समाज को संकट में डालते हैं। मेरा अपना अनुरोध है सभी से, कृपया करके सुरक्षा के, सावधानियों के संपूर्ण मापदंडों का स्वयं पालन करें, दूसरों से पालन करें, करवाएं, स्वयं बचें, दूसरों को बचाएं और जल्दी इस शहर को इस संकट से उभारने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हम तो अपनी जान की बाजी लगाकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को भी समझना होगा कि संक्रमण फैलाने वाले लोगों को रोकना पड़ेगा, अन्यथा हम इस संक्रमण की चैन को नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए हमें कोविड-19 के नियमों का पालन करना चाहिए।